देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भी उनकी प्रतिमा पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद गरीबी बाबा साहेब के आड़े नहीं आई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और महान नेता बने। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और दलित पिछड़े वर्ग के लिए भी उनका संघर्ष जारी रहा। राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माता ने प्रत्येक वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर मिल सके। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सभी को कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए जिससे कोरोना के खिलाफ हम मजबूती से जंग जीत सकें। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने, इसलिए उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ने जो है उन्होंने 3 डॉक्टरेट्स जो है प्राप्त करे, ऐसा महान नेता थे। उनकी शिक्षा के लिए गरीबी कभी आड़ में नहीं आई। गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और सारे देश के जितने भी जो डिप्रेसड लोग हैं, दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और देश की एक बहुत बड़ा देन उन्होंने अपने को दिया है, वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान का निर्माता भी है और उन्होंने बहुत से विषयों पर छू अछूत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे विषयों को उन्होंने न्याय दिया है। आज SC ST या OBC वर्गों को आज जो भी रिजर्वेशन अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना। और आज हमारी युवा पीढ़ी छू अछूत को और वैसे ही जात पात को दूर रखते हुए अपने देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा का माध्यम बहुत बढ़ाना चाहिए। और वैसे ही आज इस बढ़ती हुई दौर में कोरोना का, इसका भी जो है वो संवेदनशील रहना चाहिए। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूर रहना और शुद्धता से रहना, और वैसे ही जो है हर व्यक्ति जो है टीका लेना चाहिए। टीका लेकर इस महामारी से पहले जैसे हमने लड़ाई में हमने जो जीता, इस दूसरी बाई की लड़ाई में भी बराबर हम जीतना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ इस लड़ाई में बहुत अच्छा सतर्क रहे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। अंबेडकर ने जीवन में संघर्ष के बावजूद अनुभव के आधार पर पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दृष्टि से न्याय देने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करने की आवश्यकता है। आज उनकी जन्म जयंती है और मैं इस अवसर पर भीमराव अम्बेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़ करके संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो, वो संविधान के दायरे में उसकी मदद कैसे हो सकती है।
हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से उनके लिए हमें हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ करके काम कर सके। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सामाजिक कुरीतियां, समाज में अभी तक जो विषमताएं हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूंगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है।